सो हे गाइस, सो वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हो आप मेरे स्क्रीन पे ऐसा ही लिक्विड टेक्स इफेक्ट क्रिएट करने वाले। एक बहुत ही अमेजिंग तरह का एक इफेक्ट दिखता है जो कि आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, लाइक कोई सा भी प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो। ट्रेंडी भी है, बट लिक्विफाई ट्रेंड क्या था, पहले टेक्स्ट में टाइपोग्राफी में था, अभी हम लोग एनिमेशन में भी डाल रहे हैं, ठीक है। इस लिक्विड इफेक्ट को हम लोग इजी तरीके से क्रिएट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट टू स्टार्ट, ठीक है। इसको क्रिएट करेंगे, सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ओके, ठीक है। क्लोज पैनल, सो एक न्यू कंपोजिशन लेंगे, कंट्रोल एन और कमांड एन प्रेस करते हैं। मैं लिख रहा हूँ टेक्स, ओके, टेक्स ले रहे हैं, और अभी मैं बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है, ओके ओके प्रेस करते हैं, ठीक है। ये कंपोजिशन हम लोग का यहाँ पे टेक्स, यहाँ पे क्लोज ही कर देता हूँ, ठीक है, पैनल को ही, ओके, ये हो गया हम लोग का एक कंपोजिशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टेक्स लेयर लेके आता हूँ, एक लिखता हूँ मैं टेक्स ही लिख देता हूँ, ओके, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यानी आप लिखा था, लेकिन यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, अराउंड 400 लिखता हूँ, 400 नहीं, बहुत बड़ा आ गया, 300, ओके, कलर शुड बी अ वाइट विथ, ओके, हाँ ठीक है, तो इसको बड़ा भी कर देता हूँ, ओके। उसके बाद अलाइंस में जाएंगे, ठीक है, अलाइन में जाएंगे, यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट ले लिया है, ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मेक श्योर इसका एंकर पॉइंट ठीक कर देता हूँ, ओके। डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लेयर पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि हम लोग को प्रॉपरली काम करना है, तो ठीक है, इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं, इसको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ मैं, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन कंपोजिशन लेयर पे जाना है आपको, ठीक है। लेयर पे जाने के बाद क्रिएट, क्या बोल रखा है, क्रिएट शेप्स फ्रॉम टेक्स, क्रिएट मार्क्स, मास्क फ्रॉम टेक्स, ठीक है, क्रिएट मार्क्स ही कर देते हैं। इसमें क्या होगा कि हम लोग को एक सेपरेट लेयर मिल जाएगा, जिससे कि हम किसी भी लेयर, मतलब इसमें भी सेपरेट और कर पाएंगे, ठीक है। तो अब जाते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स में, सीसी सीमियर बोल के लिखते हैं, ओके, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग भी हो सकता है, ठीक है। इसको ड्रॉप कर देते हैं, अभी ड्रॉप करने के बाद हमको क्या दिख रहा है, एक ऑलरेडी इफेक्ट का डेमो दिख रहा है। अब कैसे एनिमेट करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को, आपको पता होगा कि ये यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ना कुछ रेडियस है, रीच दिखा रहा है, इसमें बाद में आएंगे। फर्स्ट फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट करना है मेरे को, यहाँ पे पहले फर्स्ट टी से ले रहा हूँ, टी में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और टू मेरे को यहाँ तक लेके आना है, ठीक है, समझ रहे हो ना, टी को यहाँ तक लेके आना है। तो मैं यहाँ तक जाऊँगा थ्री में, और मैंने यहाँ पे कर दिया एक टू तक, एक की फ्रेम ऐड कर दिया, यहाँ आया, फिर मैं मेक श्योर आपको ये जो प्रॉपर्टी रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी, इसको रिमाइंड रखना, जैसे कि 9.8 है, तो इसको देख सकते हैं, अभी मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, मतलब यहाँ तक आने के बाद क्या हो रहा है, एक एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है। अगर यू प्रेस करूँगा तो ये देख सकते हैं, एक एनिमेशन कंप्लीट हुआ है, और यहाँ से देखिए टक करके आ रहा है। अभी इसको नेक्स्ट लेवल करने के लिए मैं यहाँ पे की फ्रेम्स में जा रहा हूँ, और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इजी इन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि प्लगइन्स यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सीधा लिख देता हूँ 80, ओके, तो 80 होने के बाद यहाँ पे स्पीड ग्राफ में जाऊँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, स्पीड एनालाइज हो चुका है ऑलरेडी एक क्लिक, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा स्मूथ होके ऐसा आएगा। अब फिर से यहाँ पे सीसी सिमिलर में जाएंगे इसको, और मे बी आप इसको कंट्रोल डी कर दीजिए, मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी डी में अप्लाई हो चुका है। फिर से यहाँ पे जाएंगे, टू को लेके आऊँगा मैं, यहाँ तक लेके आऊँगा, ओके, यहाँ तक, ओके, ये हो गया हम लोग का एक, क्या हो गया, एक एनिमेशन हो रहा है, बट वहाँ पे नहीं जाना है, कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा आ रहा है, लेकिन हम लोग को ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, की एनिमेशन में जाएंगे, यू प्रेस करेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हम लोग को एनिमेट दिया है, ओके, तो ये की नहीं चाहिए हम लोग को, ओके, दिस इज इट। प्रॉपर्टी के साथ मेस नहीं करना है आपको, एक एक करके मैनुअली करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि टेक्स्ट लेयर सेपरेट करा सकते हैं, जैसे कि टी का अलग कर दिया, ई का अलग कर दिया, इसी तरीके से इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको अनडू कर देता हूँ ई वाले को, तो मैं इसका क्या कर लेता हूँ, एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ, इस लेयर का डुप्लीकेट ले लिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा सीधा टी पे, यहाँ पे मास्क पे जाऊँगा, टी सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से अप्लाई कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से सी जो दो था हम लोग को, उनमें से एक नहीं चाहिए, क्योंकि डिलीट कर सकते हो, लेकिन मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। थ्री थर्ड में जाएंगे, फिर से मैं फ्रॉम से स्टार्ट करूँगा, अभी ई पे डाल देता हूँ यहाँ तक, एंड टू यहाँ तक, ओके, ये ठीक है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, इस तरीके से, ओके, तो
थोड़ा यहाँ तक प्ले कर सकते हो। ओके तो मैं यहाँ तक ही जाता हूँ। ओके यू प्रेस करता हूँ तो हम लोग को की फ्रेम दिखाई देगा। इसको यहाँ तक लेके आऊँगा और इसका प्रॉपर्टी क्या करूँगा, फिर से लेके जाके ऊपर शटल ओए में रख दूँगा जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो ये क्या होगा कि एक हम लोग को थोड़ा सा की ऐड करके दे देगा इस तरीके का एक इफेक्ट। लेकिन इसमें क्या हो गया है, हम लोग का डुप्लीकेट लेयर भी इम्प्लीमेंट हो गया है। अगर ये इसको बंद कर दूँगा तो आपको टी में ही दिखाई ई में ही दिखाई देगा, देख सकते हैं। इस तरीके से एक हम लोग अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप टी में भी क्रिएट कर सकते हैं और सॉरी एक्स में भी क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे टी में भी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप इस ट्यूटोरियल से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा लिक्विड टी। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने इतना ही सीखा कि कैसे लिक्विड इफेक्ट क्रिएट करते हैं बोल के। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू आइडिया।